अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी ब्लॉग बाय क्रेजी। वेलकम बैक एन अदर वीडियो। टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। तो सीन कुछ यूँ है कि आज मैं बना रही हूँ चिकन शामी, क्योंकि मेरे बच्चों को ज़्यादा मटन या बीफ की नहीं पसंद, तो मैं बनाती हूँ चिकन की। और उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपको साथ साथ बताऊँगी ताकि मसला ना बने। अच्छा, सबसे बड़ा अभी ब्लेंडर ये हो गया स्टार्टिंग में कि मैंने सब इंग्रेडिएंट्स रखे, अपनी तरफ से वीडियो बना रही थी और डाल के कहा कि जब देखूं तो वो वीडियो ही क्रॉस हो गई। लेकिन अब मैं आपको बता दूंगी मैंने क्या क्या किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है दाल, चने की दाल, ये मैंने मंगवाई थी 1 kg, ठीक है, क्योंकि मैंने बनानी थी ज़्यादा क्वांटिटी। और जो है मैंने इसको अच्छी तरह वॉश करके कर दिया है डिप, लेकिन मैंने फुल 1 kg यूज़ नहीं की, मतलब अगर 4 हिस्से हों तो मैंने 3 हिस्से दाल इस्तेमाल की है, 1 हिस्सा नहीं किया। इसको अच्छी तरह आपने भिगो के पहले रख देना है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको बताऊँगी। अब मैं यहाँ आ जाती हूँ, यहाँ आपको बता देती हूँ चिकन मैंने एक्चुअली रख दिया था और कोई क्लिप नहीं बना। फ्रेंड्स, चिकन है 1 kg and 700 grams और ये मैंने इसको डीप कट्स नहीं दिए, मैंने थोड़े बस रैंडम बड़े बड़े कट्स दिए हैं, क्योंकि हमने बिल्कुल ही स्मॉल सा, जैसे कह लो ना बोनलेस करना है तो वो बिल्कुल मिक्स कीमा सारा बन जाए, ठीक है, सॉरी। और ये मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें डाली, इसमें मैंने डाला है 1.5 liter पानी, क्योंकि इसने थोड़ा सा पानी रिलीज करेगा चिकन भी, और इसी में हमने अपनी दाल डालनी है बाद में। इसमें मैंने डाला है 1.5 teaspoon सॉल्ट, 2 teaspoon equal salt और 1.5 teaspoon black pepper और 3 teaspoon crushed chili flakes, ठीक है, ये chili flakes red वाली, ये 3 चीज़ें सिर्फ डालनी है। बेसिकली कोई इशू नहीं होता, आप इसको इतने ही पानी में बॉयल भी कर सकते हो। अच्छा, इसको कोई इतना नहीं है, आपको बहुत सी YouTube पे वीडियोस मिल जाएंगी शामियों की, लेकिन मेरा दिल था कि जिस वजह से मैं बनाती हूँ, मैं पहले 2-3 दफ़ा एक्सपेरिमेंट्स करती रहती थी, कभी किसी चीज़ को अप डाउन पहले डालना बाद में डालना, लेकिन ये वाला तरीका मुझे सबसे अच्छा लगता है और अब मैं इसी मेथड से जो है वो बनाती हूँ। और आप इसको जस्ट बॉयल भी कर सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ फ्लेवर इसलिए डालती हूँ कि वही बात, चिकन बिल्कुल एक टेस्टलेस सा हो जाता है एक्स्ट्रा, उसका भी पानी जो है उसमें से सारा निकल के, और क्योंकि सिर्फ एक यखनी सी जिसे कहते हैं वो रह जाती है, तो वो मज़े की नहीं लगती। और मैं पानी इसका वेस्ट भी नहीं करूँगी, हम दाल को इसी में कुक करेंगे ताकि पूरा फ्लेवर हर चीज़ का हमारे पास रहे, कोई भी हमें ज़ाया ना करना पड़े, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ से अभी चिकन अंदर से थोड़ा थोड़ा कच्चा है, आपको नज़र आएगा, रॉ है बिल्कुल, और ऊपर से कुक होना स्टार्ट हो गया। हमने इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद लो फ्लेम पर ही रखना है, क्योंकि पानी हमने ड्राई नहीं करना फ्रेंड्स, हमने इसको चिकन को बस कुक करके निकालना, इसमें हमने अपनी दाल को पकने के लिए रख देना है। और मैं दाल के साथ जो जो चीज़ें डालनी है वो साथ साथ बताऊंगी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको देखना और समझना। ओके गाइस, मैंने तकरीबन इसको कुक होते हुए 2-3 दफ़ा चेक किया था बीच में, और पूरे 40 मिनट्स ये कुक हो चुका है, और पानी भी आप देख रहे हैं कि ये सिचुएशन है। ओके, अब मैं निकालूंगी सारे पीसीस को इसमें से डिश में, खैर मैं डिश थोड़ी नज़दीक कर लूँ पास, ठीक है, देख लें ये इस टाइम सिचुएशन है। और ये हल्का सा मैं टोंग भी कर रही हूँ तो उससे ये जो है वो रिमूव हो रही है सेम, ये ज़रा बड़े पीस है, इनको हम निकालने की केयरफुली ताकि मसला ना हो। अच्छा, पानी इस तरह आप हल्का सा एक बार ड्रेन कर लें ताकि एक्स्ट्रा कोई भी ना हो, और इसको पूरा कूल डाउन करने के बाद आपने श्रेड करना है ताकि ये गरम आपके हाथों को ना लगे, क्योंकि एक्सट्रीम लेवल पे बॉइलिंग पॉइंट पे जो है ना ये कुक हुआ है तो मसला ना बना। अब ये देख लें गाइस, इसमें फुल स्टीम निकल रही है, मैं इसको तकरीबन 1/2 hour पड़ा रहने दूंगी जब तक मेरी दाल जो होती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या चीज़ें डाली हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, अनियन इस साइज़ के मैंने लिए हैं 2 onions, और जो आपको गार्लिक नज़र आ रहा था उसको मैंने इतने छोटे छोटे पीस कर लिए, ये जाएगा इसके अंदर हमारे पास यखनी में, ठीक है। और इसके साथ मैं डालूंगी दाल, और ये मसाला फिर आपको दिखाती हूँ। ओके, ये रही दाल, इसमें थोड़ा सा ये देखें पानी है, बाकी मैंने एक्स्ट्रा निकाल दिया, ये टोटल जाएगी इसमें दाल, ठीक है, और इसमें जाएगा ये पूरा सैशे, एक मतलब एक पैकेट जो आम रेगुलर पैकेट होता है, ठीक है, बस। ओके, हमने चम्मच बार बार नहीं लाना, सिर्फ इसको एक दफ़ा, क्योंकि पानी गर्म है और ये जल्दी बॉयल हो जाएगा। अगर आप देख लें कि ये मेरी दाल में कितना पानी है कि दाल नज़र आ रही है। ओके फ्रेंड्स, ये ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हो चुके हैं पूरे दाल को कुक होते हुए, और मैं आपको इस टाइम इसकी पोजिशन दिखा देती हूँ, मैं कवर रखूँ, बहुत ज़्यादा गर्म है, और ये देखें ये बिल्कुल आई गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म है, टहले मैं आपको किसी प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखें, ये मैंने
थोड़े से निकाले हैं पीसेस और अपने आप को ये देखें हल्का सा अंदर एक स्पॉट होगा जिसको हम कहते हैं ना कनी रह जाए वो, और इस पॉइंट पे हमने कर देना है फ्लेम को थोड़ा हाई, ठीक है। ये हमने हाई पे करना है क्योंकि अब जितना ये वाटर है इसमें हमने इसको फुली ड्राई करना है। और ये रहा चिकन, ठीक है, इसको मैंने टोटल कर लिया है बोनलेस। अब मैं आपको दिखाऊंगी इसको हम करेंगे चॉपर में, चॉपर भी आपको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम चिकन करते जाएंगे। ये मैंने यहाँ पे धनिया और पुदीना जो है वो करके रखा हुआ है, और ये मेरे पास ये एक बॉल में ग्रीन चिलीज हैं, ठीक है। ओके गाइस, अब मैं कर रही हूँ इसको चॉपर में और हम करेंगे इसको चॉप। ओके, ये हो गया हमारा चॉप सारा चिकन फाइन अच्छे से, ठीक है। और ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बिल्कुल अच्छे से इस कंडीशन में आ गया है। ये टोटल चिकन है जिसमें हम कोरिएंडर और पुदीना वगैरह ग्रीन चिलीज वो ग्राइंड करेंगे, अनियन ग्राइंड करूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ बाद में, क्योंकि उसको ज़्यादा देर तक ग्राइंड करके नहीं रखना वरना वो पानी छोड़ेगा। ओके गाइस, ये देखें जब फ्लेम आपने हाई रखनी है ना तो थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने लाजमी एक दफ़ा इस सारे मिक्सचर को हिलाना है, क्योंकि इस पॉइंट पे आके नीचे ना लगे बस, क्योंकि बिल्कुल ड्राई हो जाए क्योंकि ऑयल तो हमने यूज़ करना ही नहीं है और इसमें लगे ना, ठीक है। तब तक हम कर लेते हैं अपनी जो ग्रीन चिलीज हैं उनको चॉप। ओके फ्रेंड, बार बार वॉश करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने चिकन ही किया और वो कुक चिकन था, रॉ नहीं था, जो हमें टेंशन हो कि स्मेल आएगी। और ये चिलीज़ को हम करेंगे, इसके बाद करूँगी मैं अनियन। अनियन मैं वैसे लास्ट पे करती होती हूँ क्योंकि मैं करती हूँ लास्ट पे, और ये हमारी हो जाएंगी इस तरह की चॉप, ठीक है। बिल्कुल पेस्ट जो है नहीं होगा क्योंकि हमने पानी नहीं डालना, बारीक फाइन चॉप ही करनी है। ये हम साथ साथ शिफ्ट करते जाएंगे अपनी हर चीज़, एक बड़े बर्तन ले लें, पतीली ले लें, जो कन्वीनियंट आपको बॉल प्लास्टिक का आपको घर में लगता है उसमें। ओके फ्रेंड्स, बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब मैं आपको बजाय सारा दिखाने के ना मैं इसको करती हूँ उसी में चॉप। ये मेरे दो पोर्शंस में होगा क्योंकि जितने मेरे जग की क्वांटिटी है, जो साइज़ है, जितने ml वो है, और मैं सब कुछ अब शिफ्ट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ओके जी, ये चिकन, ये दाल का पूरा मिक्सर, ये अनियन, ये कोरिएंडर, ये चिलीज, अब इस सबको मैं मिक्स एक दफ़ा करूँगी और जल्दी जल्दी फिर बताऊँगी कि इसमें हमने एग किस पॉइंट पे करना है। फिलहाल अभी ये बहुत गर्म है, इसको थोड़ी देर हमें स्पैचुला से मिक्स करना है। ओके फ्रेंड्स, आज है ब्लेंडर पे ब्लेंडर हो रहा है क्योंकि मैंने क्लिप बनाया जिसमें मैंने अंडे डाले लेकिन वो भी नहीं आया। मैंने अच्छे से मिक्स किया, थोड़ा नॉर्मल कूल डाउन हुआ तो मैंने इसमें 3 eggs डाले। अगर छोटे एग हैं तो आप 4 ले लो, अदरवाइज मैंने 3 यूज़ किए हैं। और इसको अच्छे से मिक्स किया है, ठीक है। और कन्वीनियंट ये कि अगर आप ग्लव्स पहन लो तो बेहतर है क्योंकि चिलीज होंगी हाथ पे लगेंगी और ज़रा वो सही भी रहता है, अदरवाइज़ आप जैसे कन्वीनियंट। और ये देखें इसमें प्रॉपर आपको रेशा नज़र आएगा, मैं आपको ऐसे करके दिखाती हूँ, देखें, ठीक है, ये देखें। इसीलिए चिकन को कभी भी बीच में बॉयल को पकाना नहीं है, उसको अलग ही श्रेड करना है, ठीक है। अब मैं निकालूंगी इसको अपने इस बॉल में, ठीक है, फिर आपको दिखाती हूँ। ओके, ये फुल एंड फाइनल हमारा सारा शिफ्ट हो गया इसके अंदर, क्योंकि इजी बैठ के बनाना सही रहता है बजाय इतना बड़ा आप जो है वो रखो। अब मैं इसमें से आपको ऑयल मेरा गर्म हो रहा है, एग मैंने एक बीट कर लिया है, उसमें थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाली है। अच्छा, इसमें एग होता है, अगर आपने जैसे शामी वगैरह में सैंडविचेस में यूज़ करना तो पर एक्स्ट्रा एग की कोटिंग की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप स्पेशल पुलाव या वैसे सर्व करना चाह रहे हो चाय वगैरह के साथ तो ऊपर एग की कोटिंग कर लो, उससे ज़रा फिनिशिंग और फाइन आ जाती है। अच्छा, मेरे पास ये मोल्ड भी है, आपने यहाँ से इसके ऐसे नॉर्मल लोकल मिल जाता है जो रहते हैं पाकिस्तान को पता होगा, ये स्टील में भी है और जिनकी हाथ पे प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो वो जी आराम से ये शामी कबाब आराम से आप करो, और मैं आपको शिफ्ट करके दिखाती हूँ। ये देखें कितने मज़े की उनकी लुक है, और मैं जस्ट रैंडम अभी बना रही हूँ क्योंकि मैं मोल्ड से ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे सर्व करने हैं बच्चों को, उनको चेक करवाना है। और मैंने गाइस रियली मैंने एक पिंच सॉल्ट भी या ब्लैक पेपर भी नहीं डाला, इक्वल मेरी हर चीज़ आई है। और हाँ, मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है, ठीक है, क्योंकि वो ज़रा फ्लेवर के लिए अच्छा होता है, बाकी सॉल्ट पेपर जो फ्लेवर के लिए वो एक्स्ट्रा स्पाइसेस वो मैंने ऐड नहीं किया। शामियाँ बिल्कुल रेडी, और मैं कर रही हूँ इसको डिश आउट, ठीक है। और ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने इस टाइम फॉर टेस्ट फैमिली के लिए ट्राई की है थोड़ी सी, और ये है इनकी फाइनल लुक, ये देखें।
कितने क्रिस्पी और यमी लग रहे हैं। आई होप कि आपको मज़े के लगेंगे। प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। ओके, प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।